अस्सलाम वालेकुम, नोबल किड स्कूल से सादिक आपके सामने हाजिर हूँ। समा के दिन सैटरडे नोबल किड स्कूल में, विच इज़ सितंबर 28 के दिन इंशाअल्लाह ताला वन डिश इवेंट का प्लान करते हैं। आप सब लोग, हर पेरेंट भी दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक स्कूल में कंपलसरी आप स्कूल में आने का प्लान करें। आते वक्त साथ में होममेड घर में बनाए सो, कुछ पकाए सो, कुछ तो भी स्नैक्स बच्चे जो पसंद से खाते हैं, स्नैक्स हो, फ्रूट्स हो, कुछ लेके आए ज़रूर, खारा भी हो, मीठा भी हो या और फ्रूट्स भी। बस एक थोड़ा रिक्वेस्ट इसमें यह है, क्योंकि ये इनको नीट सी प्रेजेंट करना, हमें फ्रूट्स हो तो ऑलरेडी साफ करको, कट करको, नीट सी प्रेजेंटिंग फॉर्मेट में ले लेगा ना, देखे तो खाना कवाना वैसा। और दूसरी चीज़ आपको जो मेन डिशेस है, क्या तो सालाना है, आई डोंट नो बिरयानी है, ना तो लिक्विड आइटम्स खीर है, ऐसी चीज़ा नहीं लाना, क्योंकि तो फिर बच्चे खाने में हैंडलिंग में प्रॉब्लम होता। तो ये कोई खाने पीने का प्रोग्राम नहीं है, बच्चों को घर में खाना बराबर नहीं खाते हैं ऐसी, बच्चे स्नैक्स में चिड़तिंडा ज़्यादा पसंद से खाते हैं ऐसी, उन स्नैक्स में एक ऐसी चीज़ हमें देना जो उनको अच्छा भी लगे और उनकी बॉडी को, उनकी तबीयत को अच्छा सपोर्ट करने के लायक, बैलेंस डाइट में हिस्सा बने वो चीज़, और हेल्थ को सपोर्ट करें, ना कि हेल्थ को बिगाड़ें। और अक्सर स्नैक्स में आजकल प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे आइसक्रीम्स खाते हैं या चॉकलेट्स बिस्किट्स खाते हैं, और लेस एंड आई डोंट नो कुरकुरे, ये सब चीज़ें खा के अपनी तबीयत को ख़राब कर लेती हैं। एक तो बज़ाहिर क्या होता है, अगर तो इमीडिएटली तबीयत ख़राब होता जो सम केसेस में, लेकिन हम ना मालूम नहीं सो चीज़ क्या होता है, तो जो बच्चे कंटिन्यूसली चॉकलेट्स खाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं या अनहाइजीनिक चीज़ें खाते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं इसके इफ़ेक्ट्स बड़े होने के बाद बहुत डेंजरस रहते हैं। अब समझ में आता नहीं हम ना, बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसे अवॉइड करने के लिए हेल्थी न्यूट्रिशियस तबीयत को, खून को, बॉडी को, जहन को ताकत देने वाले अच्छे हेल्थी चीज़ों को हमें प्रेजेंट करने का मकसद ये वन डिश इवेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या लाना क्या नहीं लाना करने का, एक चीज़। दूसरा क्या आ गया, तो अब हमारे पास 200 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो तकरीबन 150 टू 200 पेरेंट्स है। तो हर पेरेंट का, हर मदर का अपना अपना अलग अलग सोच रहता, अलग अलग नॉलेज बेस रहता, अलग अलग एक्सपीरियंस रहता। तो हर पेरेंट भी अपने तरफ से एक स्नैक, एक फ्रूट अच्छा नीट से प्रेजेंट करको ला को रखे, तो ये दूसरे पेरेंट्स को आसान होता कि हाँ मैं भी ऐसा कर सकता हूँ मेरे बच्चों के लिए, एक को देखो दूसरे सीख लेते हैं, वो एक पर्पज़। दूसरा को बहुत सारे चीज़ें मालूम भी रहते नहीं, वो एक को सीख लेते हैं वो, और थोड़ी दिन के पास रिसोर्सेस आती, टाइम होता नहीं, प्रेजेंटेशन में थोड़ा वीक होती, मेहनत करते रहती, लेकिन अच्छा नहीं प्रेजेंट करने की वजह से उनकी मेहनत में होता रिज़ल्ट अच्छा आता नहीं। सो हम सब मिल को एक दूसरे को हेल्प कर ले को ये क्या है वन डे इवेंट को सक्सेसफुल करेंगे। और एक क्या है तो थोड़े पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं, हमारे बच्चे फ्रूट्स खाते नहीं, हमारे बच्चे ये अच्छी चीज़ें खाते नहीं, हमारे बच्चे ज़्यादा सताती हैं, ज़िद करती हैं ये चीज़ें खाने के बारे में, वो थोड़े चीज़ें पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं। सो उन पेरेंट्स ही मैं समा, जो आइटम आपका बच्चा खाता नहीं आप बोलो सबके सामने, वो आइटम पसंद से कोई ज़बरदस्ती नहीं सका, बच्चे से खिला दो और बच्चा खाता उन्हों, और कैसा उन खाता है, कई को क्या खाता है, आप कैसा करना गाने का हमें सबके सामने मैं खुद दिखाता हूँ आपको इंशाल्लाह ताला। सो कोई बच्चा एप्पल खाता नहीं, कोई बच्चा और बच्चा है शिमला मिर्ची खाता नहीं, शिमला मिर्ची खिलाने का टारगेट है समाज से, तो वैसा है। चलो ओके इंशाल्लाह ताला। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू, तो आप सबसे गुजारिश है कि समा किसी भी हालत में कितने भी बिजी हो तो समा 2 से 4 बजे तक, शार्प 2 बजे तक आ जाओ, 4 बजे क्लोज़ करेंगे। अब एक एक जो भी है स्नैक और फ्रूट ले कर आओ,
एक अच्छा फन लर्न जॉयफुल सेशन समा के इवेंट को बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।